इंदौर जिले के बाईग्राम में रहने वाली 26 वर्षीय निधि जायसवाल का असिस्टेंट कमिश्नर के लिए चयन हुआ है। निधि के चयन से न सिर्फ परिजनों में खुशी का माहौल है बल्कि ग्रामीणों ने भी जुलूस निकालकर गांव की बेटी का भव्य स्वागत किया। महू तहसील मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर आदिवासी ग्राम बाई की निधि जायसवाल का असिस्टेंट कमिश्नर में चयन होने पर पूरे बाई ग्राम में खुशी व जश्न का माहौल है। कुछ दिन पूर्व एमपीपीएससी का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया जिसमें महू तहसील के आदिवासी ग्राम बाई की निधि जायसवाल का असिस्टेंट कमिश्नर में चयन हुआ है, जिसको लेकर पूरे गाँव में बैंड बाजे ढोल धमाके से बेटी को खुली जीप पर बैठा कर जुलूस निकाला। वही गाँव में कई मंचों से निधि जायसवाल का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। वही असिस्टेंट कमिश्नर के पद पर चयन होने से उत्साहित निधि जायसवाल ने मीडिया से चर्चा करते हुए अपनी सफलता का श्रेय परिजनों और कड़ी मेहनत को दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि शासन की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन करना उनकी पहली प्राथमिकता होगी ताकि शासकीय योजनाओं के लाभ से कोई भी वंचित न रहे। सर, बचपन से ही मेरे परिवार में जो माहौल रहा वो बिल्कुल लोकहित में रहा। पिताजी जो है मेरे सरपंच हैं, 14 साल वो सरपंच रहे और पापा को हमेशा लोगों की मदद करते देखा। पर कहीं ना कहीं पापा जो है एक अपने दायरे पापा के सीमित थे और पापा का ड्रीम था कि हम उनके बच्चे जो है ऑफिसर बनकर और ज़्यादा व्यापक स्तर पर जो है जनसेवा करें। तो पापा मेरे बहुत बड़े मोटिवेशन का फैक्टर रहे इस जर्नी में। सर, एक्चुअल में मैं बचपन से बहुत पढ़ाई के प्रति डेडिकेटेड थी। 8 तक जो है मेरी शिक्षा यहीं गांव के ही सरस्वती ज्ञान मंदिर स्कूल से हुई और 9th में मैंने इंदौर के सैन मरीनो पब्लिक स्कूल में अपनी जिद से ही एडमिशन लिया और फुली इंग्लिश मीडियम स्कूल था, यहाँ पर मेरी शिक्षा हिंदी मीडियम से हुई। तो पहला पड़ाव तो वही था मेरी लाइफ का कि हिंदी से इंग्लिश में जो है डायरेक्ट आप अगर किसी बच्चे को 9th में डाल दें तो बहुत बड़ा चैलेंज होता है। फिर मैंने अपने हार्डवर्क से वहाँ पर हमेशा अपनी क्लास टॉपर रही और जब मैं अपने ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर में थी तब से मैंने जो है अपनी पीएससी की तैयारी शुरू कर दी और मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट निकल गया था। 16 में मेरा ग्रेजुएशन हुआ, 17 में मेरा पीएससी जो है फर्स्ट अटैम्प्ट निकला। तो उस समय सर मार्च में जो है रिजल्ट आया था और जून में हमारा मेंस था। तो 6 घंटे की जो है स्लिप, जो आइडियल स्लिप होती है, बस वो लेने के बाद मैंने दिन भर जो है पढ़ाई करती थी, रात में भी अपना 3 घंटे रात में सोना, 3 घंटे दिन में। तो वो हार्डवर्क किया इसीलिए मतलब मेरा पीएससी फर्स्ट अटैम्प्ट निकल गया। और वर्तमान में भी सर ऑन जॉब रहते हुए कोविड के समय पूरा काम किया मैंने, कोविड ड्यूटीज़ की, उसके साथ में जो है अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखा और 2019 पीएससी का जो भी रिजल्ट आया उसमें मेरा चयन सहायक आयुक्त आदिवासी विकास के लिए हुआ है। सर, जैसे कि जो मेरा पद है वो मूल रूप से जो है समाज के वंचित वर्ग के अपलिफ्टमेंट के लिए है, तो मैं बिल्कुल शासन की जो भी योजनाएं हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा व्यापक स्तर पर लोगों तक पहुंचाऊंगी। साथ ही मैं जो नवाचार कर सकती हूँ उन लोगों के लिए मैं बिल्कुल करूँगी। आपको बता दें, निधि जायसवाल के पिता सुरेश जायसवाल ने 14 साल सरपंच पद पर रहकर समाज सेवा की है। अब निधि भी अपने पिता की तरह प्रशासनिक सेवा में रहकर समाज की सेवा करना चाहती है। महू से सुनील काली की रिपोर्ट।